रोहस ठीक है क्या हो गया चलो पहले नाम लिख ले लो हाँ चलिए आपसे उस बात पे है तो बोल ही देते हैं हाँ बोल दिए तो ठीक है थोड़ा आप लोग यार अगर आप लोग अच्छा लगे बुरा ना लगे तो थोड़ा आप लोग यार नीक बैच स्टार्ट हुआ है मैं लाइव भी हूँ आप लोग थोड़ा प्रमोट करो करोगे नहीं करोगे थोड़ा कोशिश करिएगा मैं इतना मैं जानता हूँ कि अगर आप लोग कर दोगे ना एडवर्टीजमेंट से कहीं ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट क्या क्या हाँ आइडिया बताइए क्या है बोलिए थोड़ा सा बताना ग्रुपिंग में चलो तो अगर ऐसा बोले तो बेहतर है लेकिन हाँ फिर भी मैं एक ही चीज कहूंगा अच्छा मिल रहा है हाँ डेफिनेटली मैं यही बोल रहा हूँ आपको बुरा लगे तो बिल्कुल नहीं बताना और थैंक यू फ्रेंड्स मतलब आपका आइडिया अच्छा है आइडिया अच्छा है कि बुरा है आप लोग प्रमोट करेंगे और डेफिनेटली मैं एक वादा करता हूँ आप जिसको लेके आओगे वो आपसे कभी नाराज नहीं होगा वो आपको थैंक यू जरूर बोलेगा मेरी गारंटी अगर वो थैंक यू नहीं बोले तो समझ रहे हो मैं फेल हूँ ठीक है चलिए तो थोड़ा ख्याल रखिएगा आसपास जितने सारे लोग हैं यार एक बार एफर्ट मारना न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसने बोला कि वो भी अच्छा आइडिया है अगर आप ग्रुप में तीन चार लोग भी बोलते हैं पर याद रखिए सुनिएगा प्लीज दो मिनट बोल नहीं कर रहे ना सुनिएगा थोड़ा आप लोग करेंगे क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हुआ है सुबह में 6:30 में और कैमरा भी बोल रहा हूँ आप लोग अगर थोड़ा सा सीरियसली करोगे मैं सच्ची बता रहा हूँ लाइफ बदल जाएगी सबकी गारंटी मैं चाहता हूँ हर घर में यार एक ऑफिसर हो और ऑफिसर ना भी बने तो इतना बेहतर इंसान बने कि वो अपना पूरा फैमिली को संभाल के रख दे मेरी बात समझ रही है और उसके लिए 10 का होना जरूरी नहीं है एक काफी है एक से शुरू होता है एक आवत है ना और एक शायरी है कि एक निकले थे मतलब मंजिल के लिए का उसके बाद आगे बढ़ते गए काफिला आता गया मंजर बनती गई मंजिल मिलता गया ठीक है तो बस वो आप खाली काम करना आप लोग कर दोगे तो वो बेहतर रहेगा और आप ऐसा थोड़े कि आप अकेले आदमी को जानते हो हर किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो बहुत सारे लोग होते हैं अगर हर कॉन्टैक्ट में से अगर एक कॉन्टैक्ट को भी घुमा दोगे तो अच्छा होगा कर लेंगे थोड़ा सा अरे ऐसा नो एक बार कर लीजिएगा आई विल बी थैंकफुल क्या क्या और ट्यूजडे को अगर आप लोग आ जाइएगा तो इसके बारे में हम लोग क्लास के बाद डिस्कशन एक बार कर लेंगे थोड़ा सा आप लोग अच्छा लगे तो जो आपने कॉन्टैक्ट किया बिल्कुल और मैं उसमें भी रह लूंगा मैं मतलब नहीं रहूंगा मैं जाके उसको प्रमोट करने लेकिन मैं उसमें जरूर बढ़ावा दूंगा आप लोगों को अच्छा लगे तो कर दीजिए हो जाएगा चलिए अब थोड़ा आगे करते हैं और दूसरा चीज एक और बात जो आपको गया है पीडीएफ सब डाउनलोड कर लिए ठीक है इकट्ठा आपको पीडीएफ फिर एक बार कल मिल जाएगा मैं आपको थोड़ा सा एहसास भी दिलाना चाहता हूँ कि मोबाइल के पीडीएफ में पढ़ के क्या फायदा होता है बाकी इधर सुनिएगा मेरा कोई ऐसा इंटेंशन उंटेंशन था नहीं कुछ रीजंस थे जो कल आपको इसके बाद सफर करना नहीं पड़ेगा डोंट वरी बाकी आपको कल फील हुआ होगा ईमानदारी से बताना प्रिंटिंग से डिफरेंट लगा कि नहीं आपको तो कुछ लगा होगा कि जोड़ दे रहे किसी किसी का तो ब्राइटनेस ही कम हो गया किसी किसी का लॉक हो गया यस सर नो फिर वापस से देख रहे हम बोले पेज नंबर 30 यस सर तो डेफिनेटली होता है ठीक है अब बहुत लोगों का बैटरी इज अबाउट टू डाई एक वो भी होता है ठीक है इधर से क्लियर है इधर से एक कल ब्लर आ रहा था कुछ लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने बोला था खैर कोई बात नहीं इसको थोड़ा सा हल्का सा क्लोज कर लीजिए थैंक यू देखो भैया एक बात बता देते हैं कल जो आप सेंड थे उनके लिए स्पेशल मैसेज है ठीक है तो राहुल और प्रकाश आपको नहीं बोल रहा मैं इस बात को समझिएगा ठीक है मतलब यार अब मुझे पता है एक दिन होता है मैंने इसलिए ट्यूजडे को छुट्टी दी है यस सर और एक बोला था ना होना एक दिन सबका हिसाब है जिंदगी कर्म से लिखी एक किताब है तो भैया दिमाग में रखिएगा अभी का ये एक साल का कर्म आपका हो रहा है और लाइफ में एक चीज मैं फिर बोल दे रहा हूँ ऐसे जियो या तो ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग याद करें या ऐसा कुछ लिख जाओ कि इतिहास रच जाए ये दो चीज जरूर करना है लिखना तो खैर सबके बस की बात नहीं लेकिन करना सबके बस की बात है बात समझ आ रही है हर कोई राइटर नहीं बन सकता लेकिन हाँ हर कोई जो चाहे वो कर जरूर सकता है अरे कर सकता है इसीलिए हर दिन मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ कर जाओ ऐसा इतिहास रचा जाए या कुछ लिख जाओ ऐसा कि बस हो जाएगा ठीक है अब देखिए पॉलिटी का जो पार्ट है जो हम कल डिस्कशन किए तो सुनिएगा ध्यान से
आज आपको इतना मजा आने वाला है कि सच्ची बता रहा हूँ, जीवन के अलग आनंद मिलेंगे आपको। तो रेडी हैं आप लोग? यस सर। पढ़ाई के लिए नहीं, आनंद के लिए। नहीं सर, पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ाई जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक पढ़ाई का मजा नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते एक बार। आपके पास पीडीएफ का पेज नंबर 12 होगा, मैं कल का जो पढ़ाया था थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, बाकी आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग नहीं करें, ठीक है ना? अगर कोई पैसे के लिए अब्सेंट किया हो तब ठीक है। पैसे देने के लिए कोई गया हो तब छुट्टी माफ है। आइएगा इधर, जो सपाट अलग। तो पॉलिटी में कल जो पढ़ाया था प्लीज मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ ना, उसके बाद हम फिर आगे डिस्कशन करेंगे। इधर थोड़ा रहिएगा, बोर नहीं होइएगा। फर्स्ट कल मैंने पढ़ाया था आपको, क्या क्या पढ़ाया था जरा बताना। मैंने आपको कल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला था कल कि गवर्नमेंट किसी भी प्रॉब्लम को मात्र दो तरीके से सॉल्व कर सकती है, या तो लॉ से या स्कीम से। तो लॉ में आपको बोला एक ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, दूसरा उसमें मैंने बोला था जनरल लॉ, स्पेसिफिक लॉ, एंड आपको एक और बोला था डेलीगेट लॉ, बोला था। उसके बाद बोला था स्कीम्स, क्या क्या बोला था स्कीम्स में? सब्सिडी के थ्रू या सर्विस हो जाए या फिर मनी एंड बेनिफिशियरी जैसे मनरेगा का बोला था। अब इससे थोड़ा आगे आएंगे, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, पॉलिटी का फर्स्ट क्लास सब किए थे ना? सभी कोई पॉलिटी का पहला क्लास जिसमें मैंने किए थे आपको, क्या उसमें मैंने बोला था कि इंडिया क्यों आखिर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, इंडियन लोगों में भरोसा क्यों नहीं किया, चार पॉइंट बताया था ना? क्योंकि इंडिया का पास्ट बहुत बेकार था। दूसरा मैंने बोला था एजुकेशन लेवल, भाई उस समय फीमेल मात्र 9% लिटरेट थी, 91% अनपढ़, और मेल 16% और बाकी के 84% अनपढ़। तो मतलब पूरा गंवार वाला सिचुएशन। और उसके बाद डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा, जाति धर्म फलना लिंगाना ये सब कुछ मेरे पास नहीं है। ये चारों पॉइंट बार बार आएगा इसलिए मैं बार बार आपको रिकॉल कर रहा था, ठीक याद रखिएगा। अब मैंने आपको बोला था कल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स भी बताए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स मैंने बोला था ना कि एक रिटेन, एक अनरिटेन, और एक बोला था क्या डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। मैंने डायरेक्ट कल आपको थोड़ा सा बताया। अब वहां से हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा, यानी कि हम डिस्कशन जो करने वाले हैं अब इसको नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज मजा आएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। हर दिन मजा नहीं आता क्या? आज कुछ ज्यादा आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने टाइप्स बोले थे, एक बोले थे डायरेक्ट और दूसरा बोला था इनडायरेक्ट, ठीक है? अब इसी बात पे आना जरा, पेज नंबर 12 कितने पे? 12. तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैंने डेमोक्रेसी की भी बात करी थी। डेमोक्रेसी में था डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को थोड़ा सा अभी डिस्क्राइब आगे करेंगे, सुनिएगा यहां से सभी को। तो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के जो पार्ट्स हैं, तो डेमोक्रेसी के आपके दो पार्ट हैं, एक है आपके डायरेक्ट और दूसरा है आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है? दूसरा आपका इनडायरेक्ट। सुनेगा यहाँ पे कुछ मजा आएगा आपको। रात इंदौरी को थोड़ा बहुत नाम सुने ही होंगे आप, हाँ, तो एक उनका फेवरेट चीज है जो अच्छा लगता है, ठीक है? जंग हो चाहे इश्क का मैदान हो, भरपूर होना चाहिए, समझ आ रहा है? और पढ़ाई भी होना चाहिए पूरा भरपूर, ठीक है? अब वहाँ यहाँ पे यहाँ भरपूर कैसे पाएगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला था R square IP, सुनिएगा ध्यान से। अब R square IP क्या है अभी बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पेज नंबर आप 12 पे आ गए हैं ना? Yes, sir. Good. तो 12 पे आ गए हैं ना, देखिए इधर R square, R से सुनिएगा ध्यान से, एक हो गया referendum, फिर एक R से हो गया recall, और R से initiative, and P से plebiscite। अब सुनना जरा, ये बस कहने के लिए मात्र चार टर्म है लेकिन अपने आप में है, ये दम रखता है। रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव एंड प्लेबिसाइट। सुनिएगा प्लीज,
सब सुन रहे हो ना, कनेक्टेड रहिएगा। रिकॉल का संबंध इनिशिएटिव से, मतलब आप ऐसे समझिएगा कि कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता है, अभी आगे बताऊंगा मैं। और रेफरेंडम का संबंध प्लेबिसाइट से, तो आप अपने नोट्स पे देखेंगे कुछ ऐसा ही बनाया हुआ होगा। बनाया हुआ है क्या? तो ये मैंने मजे के लिए ऐसे नहीं बना दिया है, मतलब मैंने इसलिए बनाया है कि आपको इधर जब याद रखना हो तो आप रेफरेंडम को जब मैं पढ़ाऊंगा ऑटोमेटिक आपको प्लेबिसाइट याद हो जाएगा, जब मैं आपको रिकॉल पढ़ाऊंगा ऑटोमेटिक आपको इनिशिएटिव याद हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिकॉल को, यानी कि अगर हम रिकॉल जब बोले तो रिकॉल और इनिशिएटिव हम एक साथ निपटाएंगे और रेफरेंडम और प्लेबिसाइट एक साथ निपटाएंगे। क्लियर? तो इसी बात पे पहले आगे बढ़ते हैं और रिकॉल से शुरू करते हैं। और हम अभी जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या क्या है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैंने एक बात बोला था, जहां लोग डायरेक्टली डिसीजंस ले सकते हैं, जहां लोग डायरेक्टली डिसीजंस ले सकते हैं, वो क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसी का चार है ये आपका आर स्क्वायर आई पी। तो आर स्क्वायर आई पी क्यों याद है ना? अब बोला था आर आई पी मतलब होता है रेस्ट इन पीस, जब मर जाते हैं तो उस पे दोबारा मुआ दीजिए। समझना है, बस हमें याद रखना है यार, हमें क्या, हमें किसी तरीके से चीजों को याद रखना है। एक बार नहीं दो बार मार के याद रख लीजिए, बात खत्म। आर स्क्वायर आई पी ये बहुत आपका शिक्षक छोड़ेगा नहीं। अब आइए फर्स्ट रिकॉल, अपने आप में है ये। रिकॉल में पहले देखना, मैंने जो एक एक लाइन सिर्फ देखना क्या लिखा है, देखना ध्यान से। व्हेन द पब्लिक आस्क फॉर ए पब्लिक ऑफिसियल्स और ऑफिस टू रिजाइन, दिख रहा है? तो व्हेन द पब्लिक आस्क फॉर ए पब्लिक ऑफिस और ऑफिसियल टू रिजाइन, बस यही मतलब। तो लोग सुनना ध्यान से, लोग ने जब खुद बोला अगर कि भैया आप ऑफिस छोड़ दो, आप क्या करो? क्योंकि आप वो नहीं लायक, आप वो ना लायक। इतना सुना ध्यान से, इतना प्रोटेस्ट किया, इतना इतना प्रेशर डाला कि आप या छोड़ गए या आप अपना पद छोड़ गए, बात दोनों वही है। अब इसका एग्जांपल मेरा समझिएगा, मैंने जो बात बोला उस पर समझिएगा, तब इनिशिएटिव से कांटेक्ट करिएगा। मैंने बोला रिकॉल में हमने बोला किसी को कि आप या तो अपना पद छोड़िए या आप अपना ऑफिस छोड़िए जहां पे आप जा रहे हैं। ठीक, तो किसने बोला? पीपल ने बोला, गवर्नमेंट ने नहीं बोला। मैंने क्या बोला था? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब जिसमें लोग डायरेक्टली बोले। मेरी बात समझ आ रही है? और मानना पड़े, क्लियर? आइए गाइस, तो पीपल ने डायरेक्टली बोला, उस चीज को ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़िएगा। और सबसे फर्स्ट सोचिएगा, अगर आपको याद हो तो एक हैशटैग मीटू कैंपेन चला था, मीटू बीच में बहुत चला था। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं अभी याद करा ही दूंगा। ये क्या है पहले समझिएगा, हैशटैग मी टू क्या है? ये तो हैशटैग तो सिंबल है, बस इस सिंबल का मीनिंग क्या है समझ लीजिए। और ये पूरा मी टू मतलब मैं भी, ये एक्चुअली फॉरेन से, सुना सब लोग ना, बोल रहे हो ना, सुनना अभी। ये मी टू कैंपेन जो है ये स्टार्ट हुआ था फॉरेन से, तो विदेशी कंट्री से। अब एग्जैक्ट इसका हमें पूरा डिटेल नहीं लेके आना है, सुनिएगा बस, हमें जितना जानना उतना, बाकी डिटेल तो मैं बता ही दूंगा। ये मीटू कैंपेन क्या था, एक लड़की थी, जिस लड़की ने ये स्टार्ट किया था ट्विटर पे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो, चाहे सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाहे हरासमेंट, चाहे किसी भी तरीके से महिलाओं के साथ कुछ भी उत्पीड़न हुआ हो, तो आप भी आए और इस पेज को लाइक करें और अपना अपना बात उसमें कहें। ये बात समझ आ रही है? ये बहुत बड़ा कैंपेन था, इतना छोटा नहीं हुआ। ये साल भर में इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा महिलाएं में आ गई। उसी समय सारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस, हीरोइंस, सब लोग बोलने लगे मी टू मी टू, और सारे मीडिया वाले, जर्नलिस्ट, बहुत लोग, अधिकतर लोग पता नहीं चला था ये मी टू क्या है। मेरे पास समझ आ रही है? बट उसका मीनिंग था कि यस, मेरे साथ भी कहीं हर लड़की के साथ या हर औरत का किसी ऑफिस में कहीं पे भी उनके साथ गलत व्यवहार, या किसी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी हुआ हो, फिल्म इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, एवरीवेयर, तो लोग आए और इस जो कैंपेन है उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम लोग पूरा प्रेशर करें। विद इन वन ईयर मोर देन करोड़ आके अपना बोले और साझा किए, तब जाके पता चला कि इतना वायलेंस है इंटरनली, जिसको औरतें बताती हैं। एक डायलॉग है कि अगर लड़की और औरतें जब तक छुपा रही हैं तभी तक,
अगर बता दिया तो सारे मर्द नंगे हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर जैसा ये बात मानना, आपकी इज्जत जैसे होता है ना, मर्दों का थोड़ा डोमिनेंट सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो बाहर लोग मुंह पे ताव देके घूमते रहते हैं, घर में उनके बीबी, उनके बच्चे, उनकी लड़की, उनकी बेटी के साथ क्या है, क्या सिचुएशन नहीं है, शायद कुछ पता भी नहीं है, लेकिन बाहर लाठी बांध के, मुरेठा लेके और मुंह पे ताव देते हुए लोग निकलते हैं। मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूँ, वो खोखलापन मत दिखाइए, मेरा समझ में आइए, एज ए पर्सन लाइफ में आपकी फैमिली को आप संभाल नहीं पा रहे, बाहर किस चीज का आप ढूंढ पीट रहे हैं, आप समझ पाए मेरी बात को, ये दिमाग में रखिए। हाँ, आप बाहर ताव से रहिए तब जब आप सही हो, तब आपका फैमिली सही हो, आपकी बेटी अगर बाप पे फक्र करती हो तो समझिए कि आप एज ए फादर सक्सेसफुल हैं। अगर बेटी बाप पे सक्सेसफुल या फक्र नहीं महसूस करती, आप एज ए फादर फेलियर है। अगर बहन अपने भाई पे फक्र करती है तो आप एज ए भाई पास है, अदरवाइज आप फेल है, उससे बेहतर आप ना हो। मेरे पास समझ आ रही है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ये दोनों चीज पे, मैं भले ही अभी मीटू की बात कर रहा हूँ, ये लागू दोनों पे, लेकिन चूंकि यार महिलाओं का उत्पीड़न पहले से ज्यादा हुआ है तो डेफिनेटली हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, यस और नो? क्योंकि हम लोग उस समय भी बाहर निकल रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उस समय भी घूंघट में रहे कि उनको अलग बीमारी हो जाती थी, सूरज का रोशनी नहीं मिलता था। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं, ये मीटू कैंपेन, और मैं बातों बात में जितना भी बात बोलता हूँ हर एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आजकल घर घर की प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, बाहर शेर बन रहे हैं और घर में बहन या बेटी इस स्थिति में है कि शायद अगर वो बोल दे किसी को बाहर जाके तो आप ऐसे अधरंगे होंगे कि आपकी सारी मर्दानगी ताव से खत्म हो जाएगी। इसीलिए भैया इतना भी आप जबरदस्ती उंगली ना कर दीजिए। देखिएगा, मीटू कैंपेन में सेम हुआ, काफी तेज हुआ है, और इसी में हमारे एक नए नए मंत्री साहब आए, एमजे अकबर, सुनिएगा, एमजे अकबर पे भी आरोप लगाए गए। मंत्री 2014, उससे पहले बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े लेखक, जर्नलिस्ट एंड राइटर भी, बहुत अच्छे खासे, आप सर्च खाली करेंगे एमजे अकबर का नाम तो आपको पूरे गूगल पे हर जगह मिलने जाएगा, चिंता नहीं करिए। इन पे आरोप लगा, इतना तेजी से प्रोटेस्ट हुआ, इतना तेजी से, जैसे आप नाना पाटेकर पे आरोप लगा है, लगभग फिल्म इंडस्ट्री के हर डायरेक्टर पे आरोप लगा है, मेरे जो हर एक्ट्रेसेस मॉडल्स ने उन पे आरोप लगा है, शायद ही कोई इक्का दुक्का होगा जो साफ होगा, मेरे बात समझ रही है, बाकी हर किसी पे आरोप लगा, एवरीवन, ठीक। अब आइएगा जरा आगे, अरे मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो, आना जरा इधर। एमजे अकबर साहब खुद को दिखाते थे अपन बहुत महान, आया इन पे उत्पीड़न का मामला, प्रोटेस्ट तेज हुआ, एमजे अकबर को रिजाइन करना पड़ा, और एमजे अकबर अपने ऑफिशियल मंत्री का पद भी छोड़ दिए, और 2014 में इनको बाहर जाना पड़ा। सुना ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, रिकॉल, व्हेन द पीपल आस्क द ऑफिस और ऑफिशियल्स टू रिजाइन, तो यहां क्या आपने डायरेक्टली अपना डिसीजन नहीं ले लिया, यहां लोगों ने तो डायरेक्टली डिसीजन लिया, यस और नो? यहां डिसीजन लिया और आपको मानना पड़ा, इतना तेजी से मूवमेंट हुआ कि एमजे अकबर को रिजाइन करना पड़ा, और ऐसा एक नहीं है, अभी बहुत सारे केसेस हैं, सेम, समझिएगा ध्यान से। दूसरा, अब आप अपने नोट्स पे एक बार जब देखिए, उससे पहले रुकिएगा, उससे पहले एक आप और 2G घोटाला बहुत सुनते होंगे, 2G स्कैम, ये घोटाला तो इतना है ना, AG, OG, 2G, 3G, 4G, मेरे पास समझ में आ रही है, लो जी सुनो जी, इतने सारे हैं, क्या बताऊं मैं, मतलब हर जगह यार घोटाला सुनना, और इसी घोटाले और करप्शन की वजह से यही चीज कनेक्ट होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ रिकॉल को, लेकिन आप सोचो हम डिस्कशन कितना बाद में कर रहे हैं, और मैंने बोला था जब ये चार चीज होता है ना तो लगभग पूरे टॉपिक लपेटे में आ जाते हैं, और समझिएगा, ये 2G स्कैम हुआ, उसी तरीके से एक और हुआ था, ठीक है, बुफे स्कैम में सोनिया गांधी के सरकार को इतना लोगों ने प्रेशर डाला कि आपको सरकार गिरना पड़ेगा, और साइमल्टेनियसली सरकार गिरी। सुनेगा ध्यान से, ये सब क्या है, जब सब कुछ आगे आएगा मैं बताने चाहता हूँ कि रिकॉल का मीनिंग क्या है। रिकॉल का मीनिंग सिंपल है कि आप पीपल खुद आपने डायरेक्टली बोला और आप क्या हो गए, रिजाइन करना पड़ा, समझ आ रही है? Yes. तो डिसीजन क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिया? Yes. अरे ऐसा नो? Yes, sir. अरे समझ आ नहीं आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो जब लोग डायरेक्ट डिसीजन लें और किसी को अपना पद या ऑफिस छोड़ना पड़े, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। आए समझ में? Yes, sir. अब रुकना जरा, धैर्य रखना, मैंने बोला था रिकॉल का संबंध लेना इनिशिएटिव से, किससे लेना? Initiative. अब जरा इसको समझ लेना, अपने आप में ही कुछ दम रखता है,
सेम प्रोसेस, थोड़ा डिफरेंट इधर। जब लोगों ने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया, किसे बनाया? वहां लोगों ने डायरेक्ट ऑफिशियल्स और उस पार्टिकुलर आदमी पे प्रेशर बनाया कि आप छोड़िए। यहां आपने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि आपको एक पॉलिसी जो हम बोल रहे हैं अपनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? मिलता जुलता तो दोनों है, लेकिन फर्क भी समझ में आ रहा है आपको। जब आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोला कि आप ऑफिस रिजाइन करिए, अब हम क्या बोल रहे हैं? रिजाइन मत करिए, हम जो बोल रहे हैं पॉलिसी, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिए पूरे ऑल ओवर कंट्री में। अरे समझ आ रहा है? फेमस मूवमेंट अन्ना हजारे, सुनिएगा ध्यान से, जन लोकपाल बिल। अन्ना हजारे ने क्या मूवमेंट स्टार्ट किया? करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भारत करप्शन के विरोध में। बहुत लंबा मूवमेंट चला, घना मूवमेंट चला, जबरदस्त चला, उसमें किसी का भाग भी चमक गया। मेरे पास समझ आ रही है? अब नाम नहीं लिया मैंने, बाकी उस अब बोल देता हूँ, ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे अरविंद केजरीवाल था, तो उसी विरोध के आड़ में अपना पार्टी भी बना लिए और उसके बाद सरकार में भी आ गए और सरकार भी बना ली। खैर भाई, अपनी अपनी बात है। जो आंदोलन शुरू किया था उसको लोग भूल गया, बाकी लोग मजा ले रहा है। मेरे पास सुनना रही है, लेकिन भैया हमको उससे कहते रहिएगा। अन्ना हजारे का करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चला, और सुनिए, अरे सुन रहे हो? अब आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मैं दोनों में से सुनना। अन्ना हजारे ने मूवमेंट किया और बोला इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आपको जन लोकपाल बिल पास करना पड़ेगा। अब जन लोकपाल बिल पास करना पड़ेगा यहाँ तो ठीक है, लेकिन सुनना, बताना रिकॉल में या इनिशिएटिव में दोनों में पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव? मैं अभी कॉन्टेक्स्ट कुछ बोला नहीं हूँ, आप खुद से बोलना। आपको नहीं लगता थोड़ा कि रिकॉल थोड़ा नेगेटिव टाइप का है? लग रहा है? देखो नेगेटिव मतलब आप उस परिपेक्ष में मत सोचो, हम किस परिपेक्ष में बता रहे उसमें सोचना। यहाँ कम से कम आप कोई काम करवा रहे हो जिससे लगभग सबका भला होने वाला है, यहाँ तो आप उस पर प्रेशर डालो रिजाइन करने के लिए, तो चलो ठीक है। तो पोजीशन तो खाली हो ही रहा है, अब पोजीशन खाली होगा तो भरने के लिए फिर से आपको उतना प्रोसेस जाना पड़ेगा। यस और नो? अब कोई रिजाइन करेगा तो कोई आके ज्वाइन भी तो करेगा। अब ज्वाइन करेगा तो उसको रिक्रूटमेंट के लिए पैसे, सिस्टम, एग्जाम सब कुछ लेने तो पड़ेंगे, तो पैसा खर्च होगा नहीं होगा? तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो समथिंग रिकॉल, हम इस वर्ड को यूज कर नहीं सकते, बट मैं समझाने के लिए सिर्फ बोला कि रिकॉल इज समथिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव परसेप्शन, व्हाइल इनिशिएटिव इज टुवर्ड्स पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया इंप्लीमेंट हो रहा है। और सुनो, गवर्नमेंट को ये अन्ना हजारे की बात माननी पड़ी और जन लोकपाल बिल पास हो। तो क्या यहाँ लोगों ने डायरेक्ट नहीं मनवा लिया? यही बात तो कर रहे हैं, किसकी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो भैया एक जगह हमने बोला रिजाइन तो रिजाइन, एक जगह बोला एक कर तो कर, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हमने डायरेक्टली वहां पे प्रेशर बनाया, वो आदमी रिजाइन कर गया। हमने यहाँ गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि जो पॉलिसी हम लेके आए हैं वो पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा। सो जन लोकपाल बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब आना जरा नीचे, अब देखना जरा इनिशिएटिव में। वेन द पब्लिक डायरेक्टली आस्क द गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट अ पॉलिसी, जब लोग सरकार को डायरेक्टली बोले कि आप पॉलिसी को लागू कीजिए। एग्जाम्पल वन, अन्ना हजारे मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस आंदोलन के तहत जन लोकपाल बिल गवर्नमेंट को पास करना पड़ा। अभी कुछ समझ में आ रही है? अब रिकॉल पे आना, अब रिकॉल पढ़ता हूँ समझना। वेन द पब्लिक आस्क फॉर ए पब्लिक ऑफिशियल्स टू रिजाइन, आगे एग्जाम्पल वन, हैशटैग मीटू कैंपेन। एमजे अकबर 2014 में मंत्री थे, जर्नलिस्ट एंड लेखक भी थे, एंड उन पर भी हैरेसमेंट का आरोप लगा एंड काफी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, देन एमजे अकबर को अपना पद छोड़ना पड़ा। सेकंड, एजीओजी 2G 3G 2G स्कैम, ठीक है 2G स्कैम, पीपल सेड ए राजा टू लीव, ए राजा पे भी 2G स्कैम के घोटाले पे उन पे आरोप लगा, उनको भी छोड़ना पड़ा चेयरमैन के। आगे कोल स्कैम, कोयला घोटाला भी है भाई, इतने सारे घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, फिर पता नहीं क्या क्या घोटाला, एंड मेनी मोर। बुफे स्कैम हुआ था जिसमें सोनिया गांधी को बोला गया सरकार गिराने के लिए। अब ये रिकॉल और ये इनिशिएटिव में कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि सारा फैसला अपन ले रहे हैं, मतलब यहाँ के भगवान अपन इच्छी हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसी को भगवान को बोलने क्या? डायरेक्ट
पहले समझ में आ रहे हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में द पीपल टेस्ट डिसीजन डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब रुकिएगा, आइए जरा पेज नंबर 13 आते हैं, जरा इसका मजा लेते हैं, ठीक है? बोर हो गए क्या आप लोग यार? आना जरा आगे, अभी आ रहा है तमाशा, अभी देखने के लिए बहुत मजेदार चीज आपके पास आ रहा है। अब उसके बाद रेफरेंडम, और क्या बच गया? प्लेबिसाइट। रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट, सो रेफरेंडम एंड देन आपका क्या है? प्लेबिसाइट। इसको यहीं पे रखेंगे और डिस्कशन रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट वापस। अब फिर से आइए जरा भैया, ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यहाँ बता रहे हैं, किसको भी फील नहीं हो रहा है इनडायरेक्ट का बात चल रहा है, तो बोलना मेरे को, गेट खुल रहा है, मैं भी एक बार घूम के आता हूँ। आइए, रेफरेंडम और उसके बाद क्या है? प्लेबिसाइट। रेफरेंडम वर्ड, रेफरेंडम वर्ड आप सुने होंगे, ठीक है? रेफरेंडम वर्ड ना थोड़ा कभी कभी आता है, और रेफरेंडम वर्ड आया है रेफरेंस, ठीक है? बट रेफरेंडम का मीनिंग क्या है समझ लें, इधर समझ, एक ही साथ रहना, ये बहुत बारीकी चीज है, एक बार में समझ गए मजा आ गया। जब कोई भी गवर्नमेंट, सुनना ध्यान से, कोई भी आदमी किसी से पूछे कि तेरे को इस देश में रहना है कि उस देश में रहना है, सुनना ध्यान से, मतलब इस पार या उस पार, उस पार। आपको आईआर में पढ़ाऊंगा, यही वापस आएगा वहां पे, इसीलिए अभी ये दिमाग में रखिएगा, पूरा डिटेलिंग आएगा, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये ऐसे बता रहा हूँ और आईआर में पूरा एक्सप्लेन होगा। तो सुनो, जब अगर गवर्नमेंट, सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट ने लोगों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट मान लो किसी किसी मुद्दे पे किसे पूछा, किसे? आम आदमी से, भैया करना क्या चाहिए, आम आदमी ने अपना सहमति दिया और वो काम हो गया। बट अब क्या क्या, सुनना इधर इधर, जब सरकार लोगों से पूछे कि क्या करना चाहिए वो है रेफरेंडम, और जब थर्ड पार्टी यानी कि यूएन मान लीजिए वो लोगों से पूछे कि तुम इस देश में रहना चाहते हो या उस देश में, वो है प्लेबिसाइट। सुना, पहले समझ लेना बारीक से, और इसे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसीलिए जब गवर्नमेंट खुद पूछा यहाँ के लोगों से किसी भी विषय पे, जैसे आज तो सर्वे भी होता है, बहुत कुछ होता है, सुना एक मिनट, जरूर जरूर, गवर्नमेंट जब खुद पूरा पूछा कि हमको क्या करना चाहिए, आप अपनी राय दीजिए, मैंने बोला रेफरेंडम में एनीथिंग, किसी भी चीज पे रेफरेंडम हो सकता है, मैंने बोला क्या, किसी चीज पे, लेकिन प्लेबिसाइट सिर्फ आरटीएचडी पे होगा, मतलब सिर्फ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। बोलो था आपको, मतलब आप ये बताएंगे कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में, सुना ध्यान से, ये आपको हक है, आपसे पूछा, जैसे आपको पढ़ाया था, मैंने कहा अफगानिस्तान में पढ़ाया था, मैंने बोला क्या, अभी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे सुनना, अभी आएगा पूरा डिटेलिंग आईआर में, ये जो प्लेबिसाइट होगा ये बाहर का कंट्री, इवन क्या इंडिया करेगा, वो तो कोई थर्ड पार्टी है। मैंने क्या बोला, जब गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे पे लोगों से पूछे वो है आपका रेफरेंडम, और जब थर्ड पार्टी किसी पे पूछे, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, यहाँ पे एनीथिंग किसी भी टॉपिक पे गवर्नमेंट रेफरेंडम करा सकती है, लेकिन प्लेबिसाइट सिर्फ एक ही चीज पे होगा, आरटीएचडी पे। फिर बात समझ में आ रही है कि आप इंडिया में चाहते हो या पाकिस्तान में, यहां तक स्पष्ट समझ आ रहा है? जरा आना इधर, रेफरेंडम जो होता है, सुनना ध्यान से, बाइंडिंग है, बाध्य है, बाध्य मतलब क्या, इधर सरकार ने आपसे पूछा कि हमको मछली खाना चाहिए कि नहीं, मान लो आपने बोला हरामखोर खाकर ऐसे ही निकल गए तो नहीं खाना चाहिए, मान लो 99% लोगों ने बोला क्या, हम नहीं, आपको नहीं खाना चाहिए, अरे समझ में आ रहा है? Yes, लोगों ने फिर तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बोला, यस और नो? 99% ने बोला नो, नहीं खाना चाहिए, माछ भात। इधर सरकार को मानना पड़ेगा हर हाल में, चाहे उसकी जो भी मर्जी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक बार रेफरेंडम हुआ और लोगों ने बोल दिया कि आपको नहीं खाना चाहिए तो आपको नहीं खाना होगा, चाहे आप मरो चाहे आप जी। अब सुनो सुनो, उधर नहीं जाना, इधर रुक जाओ, इधर से देखिएगा प्लीज, टॉपिक टॉपिक से रिलेटेड ही बस रहिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो मैंने दो चीज बोला है, रेफरेंडम क्या सिर्फ इसी पे होगा क्या? नहीं। अरे रेफरेंडम सिर्फ इसी पे होगा? रेफरेंडम
तो किसी चीज पे हो सकता है। लेकिन सुनना, अगर रेफरेंडम भी इस पे हो तो क्या होगा, प्लेबिसाइट बोलेंगे ना, यस और नो। मान लो अगर रेफरेंडम भी हम इस पे करवा लिए कि लोगों से पूछने मिलेगा कि किस देश में रहना है किस देश में नहीं, तो क्या हो गया, प्लेबिसाइट। सुना ध्यान से एक बार, इसीलिए प्लेबिसाइट को हम रेफरेंडम, लेकिन रेफरेंडम को प्लेबिसाइट नहीं बोल सकते। सुना ध्यान से, और इसको सोचने का तरीका बता देता हूँ। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा यार, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, कुछ लोग को मिल रहा है सर क्या बता दिए सर, देखना ही पॉलिटिक्स सब पढ़ के आओ, देखना पॉलिटिक्स से प्यार हो जाएगा। मैं पहले भी बोला हूँ ना, जितने सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उतने सब्जेक्ट से प्यार होगा। मेरा तो छोड़ो, मेरे से तो सबको है। इधर देख, धीरे 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 छोड़ो, नहीं बोलूंगा। आया था वैसे मस्त वाला, कोई बात नहीं, आगे आना जरा, मजा ना जरा करते, देखना इधर। तो मैंने दो चीज बोला समझना, रेफरेंडम में बोला कि गवर्नमेंट किसी भी चीज पे करवा ले, किसी भी चीज पे वो रेफरेंडम है, लेकिन गवर्नमेंट अगर आरटीएचडी पे कराए तो क्या हो गया, प्लेबिसाइट। लेकिन फर्क इस बात का है, देखो अब मान लो आपने बोला, सुना ध्यान से, हमने यूएन को मान लो बोला कि आप आके प्लेबिसाइट करवाइए, हमने बोला तभी तो यूएन आएगा ना, और आपको पॉलिसी पढ़ाया था तो क्या बोला था कि जब तक भैया नेशनल इंटरेस्ट में हमने हमारे कोई हस्तक्षेप करेगा क्या, कोई नहीं करेगा। सुनना बेस्ट एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझो आपको और क्लियर होगा। सुनना फर्स्ट मैं एग्जाम्पल पहले देता हूं आपको प्लेबिसाइट की, ठीक है, ताकि आपको मजा आएगा थोड़ा। इधर 1949 का समय था और भूत घूम रहे थे और भूत से मेरा मतलब है पाकिस्तान, ठीक है भाई, वो तो दिन में ऐसे सपने देखता रहता है, तो भूत वाला काम तो ऐसे भी करता रहता है। हरामखोर 1949 में इंटर किया जम्मू कश्मीर में, सुनना, और इंटर करते ही कुछ एरियाज कैप्चर कर लिया, सुन लिया, जैसे ही कुछ एरिया कैप्चर किया, इंडिया को भनक लगी। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अरे 1949 की बात करो तब, अरे समझ में, और याद है ना सब, जवाहरलाल नेहरू ध्वज पूरा लाइन से, जरा बोलना एक बार, चलो अब 1949 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, अब नेहरू जी थे। सुनना नेहरू जी को एक बात लगी बुरी, नेहरू जी बोले हमको यार तुम क्या कर दिए, नेहरू जी गए यूएन के पास, यानी कि अमेरिका के पास। सुनना, और मैंने बोला था जब आपको पॉलिसी जब पॉलिसी पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था आपको कि बहुत लोगों को लगता है कि कहा आएगा यूएन के पास, हम बोले थे उस समय सिचुएशन देखो यार क्या हालत थी इंडिया की, खाने को थे नहीं, समझ में आया, खाने को भी नहीं था। अब इस बात को समझिएगा, ऐसे ना आप बिल्कुल नहीं रखिएगा नहीं तो नींद आने लगेगा, ठीक है, समझिएगा। मैं आपके लिए बताता हूँ, मेरी आदत बहुत थी, मैंने बड़ा मेहनत से छोड़ा है, इधर आइए। अब जवाहरलाल नेहरू आए, मारे धुआं उड़ाए, पहुंचे ईमेल के पास, सुनना, और ईमेल के पास जाके बोले, पाकिस्तान को समझा लीजिए थोड़ा, ए हरामखोर आके कैप्चर कर लिया है। ईमेल बोलता है यार क्या मतलब, कभी शांत नहीं हुआ क्या ये, तो जवाहरलाल नेहरू बोले शांत होने वाला है, जिसके खून में ही बदनामी हो वो हरामखोर तो परेशान करेगा। अरे समझ में, थोड़ा सा इधर सुनना। अब यूएन बोला कि ठीक है बेटा हम एक काम करेंगे, सुनिए, अगर विथ योर परमिशन हम वहां पे आरटीएचडी करेंगे, मतलब हम एक टीम बनाएंगे, टीम बना के भेजेंगे और वहां के लोगों से पूछेंगे कि आपको उधर रहना है या इधर, मतलब कि इस पार या उस पार। अरे समझ में, अब भैया बात पे ठीक है, अब ये पूरा डिटेलिंग मैं आईआर में पढ़ाता हूँ, जहां बताऊंगा कि अमेरिका कैसे एक बार खुद का टीम बना के भेजता है, एक टीम भेजेगा यूएन मोजी, ये सब आगे बताऊंगा मैं बहुत डिटेल में। यहां मैं सिर्फ प्लेबिसाइट समझाना इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, लेकिन उस समय आपको समझ में आया। इधर यूएस से भेजता है, जा बेटा कुछ करके आ। अब वहां जाते हैं ये लोग आरटीएचडी करने, लेकिन इंडिया एक बात बोलता है, सुनिए, यूएस से तैयार हो जाता है कि हम वहां पे करवाएंगे प्लेबिसाइट। देखो क्या थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट ने परमिशन दिया और करा क्या रहा है, आप सोच के देखो कि प्लेबिसाइट को हम बोले कि रेफरेंडम बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि प्लेबिसाइट, आप सोचो यहां पे एनीथिंग,
यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ क्या सिर्फ सीधा सवाल है कि जहाँ ज्यादा है उसी में तो कम समा गया। अरे यस और नो? तो ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं और मेंस में और इंटरव्यू में जब ये बोलोगे ना तब लगता है कि बंदे के पास कितना नॉलेज है और आपका दिमाग ऐसे थोड़ा लगेगा ना जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे थोड़ा फील होगा कि ऊपर रखा हो गया है डेवलप हो गया समझ आ रही है। ऐसा होगा तभी मजा आएगा। सुनाई दे आरटीसी इसी का एक छोटा पार्ट है। मैंने बोला जब गवर्नमेंट किसी भी चीज पे कराए वो रेफरेंडम है और गवर्नमेंट जब थर्ड पार्टी को बोले कि आप आरटीएसटी करवाइए तो क्या हो गया प्लेबिसाइट। अब सुनना इवन को तो आपको क्या बताया अमेरिका को तो ऐसे भी खुजली मची रहती है सबके बीच में टांगड़ा नहीं आ रहा समझ में। वो तो भैया बैठा है कोई आए इधर बोले हमको आ रहा समझ में कि हम खुजली करें इसकी। अमेरिका बोला डन हम भेजते। इंडिया बोला लेकिन एक शर्त है इतना आसानी से नहीं जो कैप्चर किया है एरिया पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ेगा तभी यानी कि वहां की आर्मी वापस जाएगी तभी ना होगा यार। ये तो वही बात हो गई ना आपको बोला आपका घर में अमरूद का पेड़ था कोई आया आंगन में गया अमरूद का पेड़ काट लिया और अमरूद के पेड़ पे चढ़ भी गया सुना ध्यान से अमरूद का ही नहीं तोड़ा है काट लिया भैया पेड़ ही गया वो इंडिया का चोर पता है ना एटीएम भी पूरा गायब हो जाता भाई मशीन बना रहे थे कुछ लोग अपना अपना एक चुटकुला भी इसमें खैर बाद में आपको बताऊंगा बता दू क्या ना इसको खत्म कर दू इधर देख नहीं दे अमेरिका के पास अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान ये थोड़ा सा अलग है। ये तीनों दोस्त मिले थे तो तीनों दोस्त कौन कौन अमेरिका पाकिस्तान इंडिया ठीक है। अरे सुनो ना बस मान लो तो तीनों दोस्त लोग मिले थे तो पाकिस्तान बोला यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अभी बोलूँ कि नहीं बोलूँ ठीक है अब इधर रहिएगा जब ऐसे बोल के घूम जाते हो सब लोगों से बता दो नहीं चलो अब कैसे अब इंडिया का ही गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती बड़ा अच्छा है मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ अब सुनना ध्यान से तो पाकिस्तान बोला मेरे देश की अम्मा पकड़ के चम्मच नाचे लेकिन ये जो है इंडिया वाला क्या बोला मेरे देश की रहती अब बोल दिया तो बोल ले रहे बात है तो दूर तक जाएगी मेरे देश की रहती सुना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की रहती। अब भैया इसको तो मिल गया पाकिस्तान भी तो है अपना पड़ोसी पाकिस्तान बोल रहा है मेरे देश की हरदी मेरे देश की धरती खाए हरदी करे गुंडागर्दी पाकिस्तान वाला अब अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले तो मेरे देश की अम्मा पकड़ के कम्बल नाच इंडिया का भी कहना सही था कि यार प्लेबिसाइट जब करवा रहे हो एक तो पहले आप कैप्चर कर लियो और कैप्चर करने के बाद क्या बोल रहे हो प्लेबिसाइट होगा तो इंडिया इस बात पे अड़ा रहा जो एरिया पहले कैप्चर किया उसको तो छोड़ो तभी उस एरिया में होगा ना। और इंडिया ने बोला कि आर्मी आपकी वहीं रहेगी क्या पता आर्मी हमारे एरिया को जब कैप्चर की है तो जबरदस्ती सब लोगों को भी तो टॉर्चर करेगी कि मेरा बोलना ये नहीं तो हम गोली मार देंगे समथिंग होगा या नहीं होगा। इंडिया इस बात बिल्कुल इंडिया इस बात पे अडिग रहा इंडिया रहा कि जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक हम प्लेबिसाइट नहीं करेंगे। इंडिया ने बोला यूएन को आप आइए प्लेबिसाइट करवाइए हमें कोई दिक्कत नहीं यू आर वेलकम और अमेरिका भेजा भी इंडिया ने जितना हो सके उतना बहुत कोऑपरेट किया है बहुत ज्यादा और मैं आईएएम में आपको बताऊंगा भी हर लेवल से ज्यादा कोऑपरेशन इंडिया ने किया लेकिन पाकिस्तान हरामखोर थोड़ा भी पीछे नहीं किया है वही एरिया जो कैप्चर हुआ उसी को पीओ के लिए सुना था। अब इंडिया इस पॉइंट पे अड़ा रहा कि जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक हम अलाउ नहीं करेंगे
पाकिस्तान अड़ा रहा, हम छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए आज तक प्लेबिसाइट हो ही नहीं पाया। आया समझ में? इसीलिए आज तक वहां प्लेबिसाइट नहीं हुआ। लेकिन बात देखोगे यार तो गलती किसकी है? पाकिस्तान की है। ऑब्वियस बात है कि आप मेरे एरिया में आ गए, ठीक है, माना कि कुछ लोग आपके यहाँ रहना चाहते होंगे, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस ही है और करवा लीजिए आरटीएस की, दिक्कत क्या है? आप एरिया छोड़ के जाइए अगर इतना भरोसा है, और लोगों से करवाइए, लोग बोलेंगे हमको क्या दिक्कत है, भेज देंगे। इनफैक्ट जब आपको मैं इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि इंडिया ने एक एक से पूछा है और इंडिया ने बांग्लादेश को अपना 111 इनफ्लेव दे दिया ऑन स्लेव्स और मात्र 51 लिए है बांग्लादेश का, मैं बताऊंगा। और इंडिया ने एक एक आदमी से पूछा था कि तुम्हें कहाँ रहना है बांग्लादेश को। इंडिया के ही कुछ लोग थे जो ऑलरेडी बांग्लादेश में रह रहे थे, तो उनका कल्चर उस तरह से हो गया, तो बोले सर हमको बांग्लादेश में रहना है। इंडिया बोला डन, और इंडिया ने अपना 111 एनक्लेव, क्या होता है आगे बताऊंगा, अभी समझ लीजिए का हिस्सा एरिया, वो दे दिया बांग्लादेश को और मात्र लिया 51। समझ आ रही है? ये इंडिया है। अगर आपको इतना ही आपको सही रहता तो आप बोलते ना हम जा रहे हैं तो करवा लो, जो आएगा सो आएगा, नहीं तो नहीं। अरे भाई फेयर इनफ है, इसमें इतना तूतू में मैं क्या। लेकिन जिसका नेचर वही मेरे देश की धरती खाए हरदी करे गुंडा गर्दी, तो भैया उसका काम ही क्या है? उसका काम ही यही है, सुनना। इसीलिए प्लेबिसाइट आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, लेकिन इट इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेबिसाइट। इतनी बार बोलूंगा ना तो आपके लिए कॉमन हो जाएगा, जैसा ना मेरे देश की अम्मा पकड़ के अम्मा नाचे जम्मा जम्मा, तो कॉमन हो जाएगा, चिंता मत करो। सीधे ना सुनिए, सुनो सुनो सुनो, अब इसका एग्जांपल जरा देखते हैं। अब इसका एग्जांपल को समझ गए आप, आज आपको ऐसी भी चीजें पता चलेगी कि पता चलेगा कंट्री को भी कभी कुछ और बोलते हैं, स्टेट को कुछ और बोलते हैं, भाई अलग ही चल रहा है बाजार में। रणछोड़ दास नया लाया मार्केट में, कुछ वैसा ही यूके लेके आएगा। और इधर आइएगा, एग्जाम्पल में जरा सुनिएगा प्लीज, किसका? रेफरेंडम का। ओवरऑल अगर अभी तक मैं बात करूँ आपको क्या बताया, तो सुनो ध्यान से, इधर सुनना सुनना सुनो, रिकॉल रिकॉल में बोला रिजाइन, मैंने बोला इनिशिएटिव, आपने बोला पॉलिसी बनाइए। आप सोच के देखो दोनों का वर्ड पे ख्याल रखो। इनिशिएटिव मतलब है कोई नया चीज, ठीक है, नया करना। तो नया करना मतलब यही तो बोला कि आप जन लोकपाल बिल पास करना, नया काम हुआ। रिकॉल मतलब रिजाइन से सोचो, मतलब पहले तो आप थे यहाँ भरामकोर, आप जाइए बाहर और थोड़ा सोच समझ के कोई चीज को करिए। मेरे पास मैरी, मैंने बोला प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट मैंने बोला कि कोई भी सिर्फ इस बात से जब आरटीएसडी कोई थर्ड पार्टी करवाए तो होगा क्या, प्लेबिसाइट। गवर्नमेंट किसी भी चीज पे करा सकती है अपना रेफरेंडम, उसको बोलेंगे कोई भी चीज को, बोलेगी भी तेल के लिए भी, खाने के लिए भी, किसी चीज पे। लेकिन जब गवर्नमेंट अगर किसी को परमिशन दे, या गवर्नमेंट भी खुद ही आरटीएसडी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार बाहर कोई लेके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब खुद भी करवाए आरटीएसडी तब उसको क्या बोलेंगे, प्लेबिसाइट। क्या बोलेंगे? प्लेबिसाइट। अब सुनना ध्यान से, एक मजेदार बात बताता हूँ। लेकिन एक बात प्लेबिसाइट से प्लीज याद रखिएगा, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि लगभग मोस्टली अगर हम बोले, आप इतने कॉन्टेक्स्ट में याद रखना कि प्लेबिसाइट में थर्ड पार्टी का रोल होना चाहिए ही चाहिए, बस इतना समझना। ये मत बोलना कि 100% कंपल्सरी है, लेकिन ये जरूर बोलना कि थर्ड पार्टी का होना जरूरी है। अब थोड़ा सा आगे पहले आना, क्योंकि प्लेबिसाइट ज्यादा, ये बहुत कम प्लेबिसाइट हुआ है, रेफरेंडम ज्यादा होता है। अब आना जरा आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आइएगा, इधर इधर रेफरेंडम, रेफरेंडम वाला अपना गवर्नमेंट का है, कुछ भी करा लेगा। अरे समझ रहे हो, इधर देखना, इधर फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं ब्रेक्सिट का। ब्रेक्सिट मैंने आपको बोला भी था, ठीक है, ये आईआर में भी पढ़ा था, तब भी मैंने बोला था इसका मतलब ब्रिटेन एग्जिट। आप पहले सुन लेना एक बार, ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन बाहर, अरे कहां से बाहर, ये भी तो सोचना है, कहां से बाहर, गेट से बाहर कि समुंदर से बाहर, ये बात समझना जरूरी है। आपको यूरोपियन यूनियन मैंने पढ़ाया था, यूरोपियन यूनियन पढ़ाया था, इधर समझना एक बार, फ्रेश पेज पे समझना। और आपको जीवन के अलग आनंद आएंगे, ठीक है। तो आपका है
रेफरेंडम की हम बात बोल रहे हैं, उसमें पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है ब्रेक्सिट का, और सुनना पीछे का जो पढ़ाया था ना मैप, वो यहीं पे आने वाला है। इधर सुनना, देखिएगा प्लीज नोट्स में देखिएगा, इधर देखिएगा, ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट, और ब्रिटेन से संबंध रखेगा इंग्लैंड का। अब भैया कहां आपको मैंने पढ़ाया था, यूरोपियन यूनियन, यू पढ़ाया था, बोला तो था यूरोपियन यूनियन, कि भैया यूरोपियन देशों का पूरा संगठन है और अमेरिका भाई उसका है पापा। अब समझना इधर, वही तो सब देता है यूरोपियन यूनियन बना के, वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी बोला था बनाया, बना के सबको बोला ले बेटा तू 10 रुपया तू 20 रुपया ऐसा ना रही है, तो भैया सारे देशों को देता है। इधर ब्रिटेन पता है कहा की बात, सुनना क्या दिमाग लगाए, ब्रिटेन बोलता है हम यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो सुनो जरा ध्यान से, आपको मैंने यूके पढ़ाया था, यूके में चार स्टेट बोला था, बोला था नहीं बोला था, क्या क्या बोलना जरा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड पढ़ाए थे। अब बताओ जरा, कुछ लोग बोल रहे थे कि मैप ही अच्छा है सर का, यहाँ पे आया नहीं आया, अभी आएगा। देखो ये बोला क्यों प्रभास, अरे नहीं आप यस सर वही सोचा सर नाम का ही नहीं आया, अब वो भी समझ गए यस सर, लेट कर लेंगे सर हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देख रहे आप, जिंदगी में भी वही दूसरा सक नहीं गया, अरे मजे से बता रहा हूँ, लाइफ में मजे अलग आएंगे पढ़ाई, समझ रहे हो, आ रहे कि नहीं आ रहे प्रभास, यस सर आ गया। देखिए अपनी ये मैंने चारों जो आपको बोला, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स, इन चारों को मिलाकर क्या बना, यूके बना, ये सुनो अब यूके बना, सुनिएगा ध्यान से, इधर इधर प्लीज सुनिएगा, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ अभी भी बोल रहा हूँ, फिर से सुनना, ये ब्रिटेन एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन से, तो ब्रिटेन हुआ है ये तीनों नहीं हुआ, मेरी बात समझ में आई, ये नहीं तो कहने का मतलब मैंने क्या बोला, ब्रिटेन को समझना इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड निकल गया, मेरी बात समझना जरा ध्यान से, लेकिन इस बात को और थोड़ा गौर फरमा के एक और चीज समझना, जानते हो कमाल की बात, इसने रेफरेंडम करवाया, सुनना किसने, ब्रिटेन ने क्या करवाया रेफरेंडम, सुनना ध्यान से, और रेफरेंडम करवा के पता है क्या बोलता है, इसने ऐसे तरीके से बात को रखा कि लोग ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन हालत आज बहुत टाइट है, क्यों बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन पूरा यूरोप का, और यूरोप का मैप जब बोलो तो यूरोप का मैप दिमाग में आपको चलना चाहिए, यूरोप का पूरा संगठन है, यूके कहाँ है वो भी समझना चाहिए, अब यूरोप का पूरा देश एक जगह है जहाँ पूरा व्यापार वहां से हो रहा है, और यूरोप का मोस्टली ट्रेड सारा का सारा कुछ उसी पर निर्भर करता है, जितना कुछ आता है यूरोपियन यूनियन में, सारा देश का लोग यूरोपियन यूनियन से संबंध रखना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे देश है वहां पे, एक ही साथ सबसे ट्रेड करोगे काफी बेनिफिट होगा। सुनना भाई, इसने रेफरेंडम करवाया, पता है क्या बोला, तरीका ही बदल दिया, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किसी चीज को करवा लो, क्या बोला, हम कब तक यूरोपियन यूनियन से भीख मांगते रहेंगे, तो आप लोग अपना इस पे राय दे, अब लो भैया दो तरीके से चीजों को किया जा सकता है, सुन मेरी, यहाँ पे आप ऑलरेडी वो बोल दिए जो आप करवाना चाहते हो, ये सब लोग, और एक बोला कि आप लोग, आप ऐसे बोले कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इससे छोड़े या ना छोड़े, अब इसमें आप लोग अपना राय दें, दोनों कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है कि नहीं, यहाँ आप जेन्युइनली राय मांग रहे हैं, यहाँ बोल दिए, अब हम आए बोले कि देखो हम चाहते हैं कि तुम लोग ये कर दे, आप अपना अपना राय दो, आप लोग कर ही दिए, समझ आया, इधर देखिए इधर इधर, ये रेफरेंडम जब हुआ लोगों ने फेवर में कर दिया कि ठीक है ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन कमाल की बात है उसने ऐसे दांव पेच घुमा के रखा पार्लियामेंट और सरकार ने उसके सामने, और मैंने आपको कल पढ़ाया था उसके पहले क्लास में भी कि यूके में पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, वो चाहे तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन को सुधर के बदल सकते हैं, अरे समझ में, अब देखना बोल दिया लोगों ने पास भी करा दिया, लेकिन भाई आज इतनी हालत टाइट है उसकी कि वहाँ बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशन काफी बुरा है, लेकिन समझना यहीं तक नहीं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट रेफरेंडम, अरे रेफरेंडम ही तो हुआ कि आपने लोगों से डायरेक्ट पूछा, लोगों ने बताया और आपने मान लिया, यानी कि रेफरेंडम मैंने क्या लिखा था, बाध्य होता है,
बोला था ना कि बाइंडिंग होता है, आपको मानना पड़ेगा। सुनना, ब्रिटेन और ब्रिटेन कहने का मतलब और जितने सारे जो हालत किए ना पूरे वर्ल्ड का, इनका भी वही हालत हो रहा है क्या? अब देखो इधर, देखो स्कॉटलैंड, पता है स्कॉटलैंड डिमांड करता है कि हम ब्रिटेन में नहीं रहें, इन चारों में हम नहीं रहना चाहते, हम अलग देश चाहिए। सुना इधर, और स्कॉटलैंड ने बकायदा रेफरेंडम करवाया फिर से सभी लोगों से कि आप लोग बताइए कि हम ब्रिटेन के साथ रहें कि अलग रहें। वो अलग बात है कि रेफरेंडम एक बार फेल हो गया लेकिन फिर करवा रहा है ना स्कॉटलैंड। और देखो वही हस्र होता है, बोले नहीं क्या बोले, सब किसी का हिसाब होना है, ठीक है ना, होना एक सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों के लिखी किताब है। तो ब्रिटेन ने सबके साथ तो यही किया, आज देखो उसी के घर में हो रहा है। स्कॉटलैंड अलग डिमांड कर रहा है, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड पहले था भी कंबाइंड, ये भी अपना अलग डिमांड कर रहा है कि हमको नहीं चाहिए। अब भैया जब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये दोनों रह के क्या जाल बजाएंगे? मेरे पास समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, तो वो दो अलग ही हो गए। अरे अब भैया सुनना, स्कॉटलैंड यहाँ तक नहीं रुका, फेल हो गया फिर करवाया रेफरेंडम। और पता है कमाल की बात बताता हूँ, सुनना, तो आपको रेफरेंडम का मीनिंग तो पहले समझ में आ गया है। इधर स्कॉटलैंड ने बोला हम अपना अलग, इधर देख लेना नोट्स में देखना, अपना अलग करेंसी नोट रखे जिसका नाम होगा स्कॉटिश पाउंड। सुनना यहाँ तक, अब यूके का तो पाउंड ही है तो पाउंड ही बोलते हैं, इसने भाई साहब ने मार्केट में नया लाया स्कॉटिश पाउंड। सुनना कमाल की बात पता क्या थी, सब ने पूछा अच्छा अपना लाओगे, हम लोग अपना लाएंगे अपना बजाएंगे। वैल्यू क्या होगा स्कॉटिश पाउंड का? बोला जितना पाउंड का वैल्यू है उतना ही मेरा। तो भाई फिर तुम लेके क्या आ रहे हो? तो बोला कलर चेंज है ना। तो मतलब लाल हमारा आ रहा है, मेरे पास समझ आ रही है भाई ये क्या लॉजिक, ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है कि स्कॉटलैंड एक अलग देश बनना चाहता है। भाई उससे कुछ होना जरूर नहीं हुआ, और लेकिन इधर स्कॉटलैंड की अपनी एक अलग स्कॉटिश पाउंड करेंसी है, याद रखो, जबकि देखो ये है एक ब्रिटेन का पार्ट, मेरे बात समझे, जो यूके का पूरा पार्ट है फिर भी इसने अपना अलग, मेरे बात समझ में आ रही। अब जरा देखना इधर, इसने भी रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम ब्रेक्सिट में भी हुआ, तो दोनों एग्जांपल क्या रेफरेंडम के लिए काफी नहीं है? और ये रेफरेंडम प्लस वन में आपको मतलब एग्जैक्ट समझ में आया? तो आप देखो इधर रेफरेंडम में मैंने लिखा था रेफरेंडम कैन बी एनीथिंग, सुना? हाँ हाँ सर सर बोलो, यूके में ना हो के कोई और मतलब देश से होता तब जाके वो। अभी देखो लेकिन अब सीधा समझना है कि यहाँ तो आपके गवर्नमेंट ने खुद करा लिया, अब कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आके कर देता तो हम उसको क्या बोलते हैं? इसलिए मैंने बोला था कि आपको ये दिमाग में रखना है कि प्लेबिसाइट में थर्ड पार्टी का रोल बहुत ज्यादा है। आ रहा समझ में? इधर रहिएगा, कोई भी आदमी रेफरेंडम करवा सकता है, अगर गवर्नमेंट जब करवाए तो उसको रेफरेंडम बोलेंगे और जब थर्ड पार्टी करवाए तो उसको प्लेबिसाइट। अभी इधर रहिएगा, ये दो एग्जाम्पल तो ठीक है, भारत का भी एक एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम जब जुड़ रहा था तो पता है सिक्किम के लोग बहुत सालों तक इंडिया को बोले, इंडिया सिक्किम बहुत बाद में आके भारत का हिस्सा बना। आप सुनिएगा ध्यान से, बहुत बहुत सबसे लेट इधर सुनिएगा, सिक्किम ने पता है बोला, रेफरेंडम करवाया अपने पूरे राज्य में और उसके बाद लोगों ने बोला कि हम इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, तब जाके सिक्किम ने साइन किया। और ये मैं आईएल में फिर आपको पढ़ाऊंगा भी बहुत डिटेल में। वहां साइन करने के बाद तो कहीं ना कहीं सिक्किम ने क्या करा, रेफरेंडम, एग्जांपल ऑफ रेफरेंडम, सिक्किम नेपाल में जाने चाहिए। देखो अभी मैंने कुछ बोला, अब मैं जो बोलूं जो पढ़ाऊं उतना ही, अभी यहां मत जाना क्योंकि सिक्किम जब आईआर में पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए, अभी मत घुसेड़िएगा यहां पे। अभी मुझे आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम, अभी वही रखिएगा प्लीज, बाद में जब मैं बोल रहा हूं कि डिटेल में आ जाएगा तो आ जाएगा, यकीन मानो बस। अब आगे आना, अब इधर का सिक्किम का एग्जांपल भी एक रेफरेंडम का है, ब्रेक्सिट का एग्जांपल रेफरेंडम का है और स्कॉटलैंड का भी एग्जांपल क्या है, रेफरेंडम है। प्लेबिसाइट का एग्जांपल कितना पता है? एक, और मैंने बोला था कि प्लेबिसाइट बहुत मिनिमम होता है और रेफरेंडम ज्यादा। अब यही नहीं, एक और आप देखना पड़ा, एक और में मजा आएगा, एक और में मजा आएगा। अब सबसे पहले हाँ जो क्रीमिया वाला पार्ट है ना उसमें आपको नोट्स में लिखा भी है, चिंता नहीं करना, अब चिंता नहीं करने से पहले जरा आना,
पेज नंबर 13 पे, 13 पे हैं आप लोग? यस सर। गुड। अब जो पहले मैंने नोट्स लिखवाया है उस नोट्स को एक बार देख लीजिए पहले, ताकि आपको इजीली समझ में एक बार आ जाए। पेज नंबर 13 पे रेफरेंडम और प्लेबिसाइट के बीच का डिफरेंस है। मैंने लिखा है हु कंडक्ट, कौन कंडक्ट करेगा। तो रेफरेंडम कौन कंडक्ट करेगा? गवर्नमेंट। प्लेबिसाइट में थर्ड पार्टी करेगी लेकिन गवर्नमेंट के परमिशन से। मैंने बोला है किसी इशू पे रेफरेंडम हो सकता है, एनी इशू, ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे होगा। आ रहे समझ में? अब बताइए जरा, इतना जो लैंग्वेज यूज किया है, क्या इतना इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज? क्या इतना आसान है कि मैं बता दूं आपको, 3 महीने बाद आपको इंग्लिश बहुत अच्छा लगने लगेगा और हिंदी लगेगा कि हिंदी नहीं सर इंग्लिश से मैं पढ़ा दो। मैं यकीन बता रहा हूँ आपको, आपको इंग्लिश धीरे धीरे लगने लगेगा। और मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि आप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आपको अब इस लेवल तना दूंगा कि कोई देख के आपको बोलेगा कि इसमें है। मेरी बात समझ आ रही है? आगे नेक्स्ट, रेफरेंडम इज ऑलवेज बाइंडिंग, दिख रहा है? मतलब क्या है? आपको मानना ही होगा, मतलब कि सरकार को मानना ही पड़ेगा जो लोग बोलता है। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन प्लेबिसाइट बाइंडिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इवन ने बोला तो गवर्नमेंट हो सकता है बोले कि नहीं हम इस बात को नहीं मानेंगे। मान लो इवन ने बोल दिया लेकिन गवर्नमेंट बोल सकता है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो ये अभी समझ ना, ये डिस्प्यूटेड है, मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आजा नीचे, Anything can be asked if government is asking for self-determination. अब मैंने लिखा है, so plebiscite can be referendum, but referendum can never be plebiscite. याद रहेगा? आप सोच के देखना कि referendum में इतना ज़्यादा कुछ है, कुछ भी है, उसी के अंदर एक पार्ट है self-determination. तो कैसे भाई बड़ा वाला छोटा में कैसे समाएगा? छोटा ही तो बड़ा में समाएगा। Yes or no? Yes. आना आगे। So अब आगे, example Brexit का आपको दे दिया, Scotland का दे दिया, third example referendum देखना क्रीम। अब ये क्रीमिया का अभी जस्ट कुछ दिन पहले आपको डिटेल बताया था। Yes, sir. अब ये यहाँ आया, क्रीमिया के बारे में पूरा अच्छे से बताया भी, गिफ्ट में मिला था। आप सुनना क्या बात है, हर गिफ्ट इसके बाद चुकानी पड़ती है। तो आपको पहले ही बोला था मैं, और देखो अभी आ गए यहाँ पे। इसीलिए बोला था कि धैर्य रखोगे तो आएगा, धैर्य नहीं रखोगे तो नहीं आएगा। हम क्या करेंगे? हमको तो जो बता रहे हैं हम इतना बता देंगे कि तुमको मतलब तुम्हारे चारों तरफ से फ्लो करने लगेगा नॉलेज। समझ में आ रहा है? बस मैंने बोला क्रीमिया, क्या बोला? क्रीमिया। क्रीमिया का पूरा डिटेल बताया कि पहले गिफ्ट में रसिया ने दिया था। अब मैंने आपको बोला था कि रसिया ने दिया था। सुना क्रीमिया में फिर क्या हुआ? यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर से रेफरेंडम करवाया। सुना ध्यान से, रेफरेंडम करवा के पूछा यूक्रेन में रहना है कि रसिया में चल रहा है। अरे भाई इसके पर दो बार रेफरेंडम हुआ है, समझना। जब पहला रेफरेंडम हुआ तो रसिया बोला हक बोलवा वही रहो, हम गिफ्ट दे दिए, कहा तुम फालतू में आ गए, गिफ्ट दे दिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो यूक्रेन का तो हिस्सा हो ही चुका था ना, तो हम तो बात इसी बात पे करेंगे। हमने दिया क्यों दिया था? ताकि जो रिवॉल्यूशन जो मूवमेंट हो रहा था शांत हो जाए। आपको बोला था अब वो शांत हो जाए, हमने दे तो दिया। तो अब दे दिया तो दे दिया भाई, अब तो उसका हिस्सा है ना, अब अपना क्या? दे दिया तो दे दिया। मैंने बोला गांव का होता है वही मान पे जो फेंक देते हैं कचरे में, से सामान अगर फेंक दी उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर कोई उसको उठा लिया तो बोले क्या ले लिया तू हमारा काम। अब भाई ये यही सेम काम, जब तक कोई यूज नहीं कर रहा तब तो उठा लिया, तब कैसे उठा लिया? चप्पल भी अगर चप्पल का फीता टूटा हुआ है अगर आप फेंक दिए है थोड़ा भी गुड कंडीशन में है, आपको तो नया खरीदना था, आप नया खरीद लिए। अब कोई आ जाए बच्चा उठा लिया उसको, अब आप देख लिए पता है, आप सडनली बोल रहे हैं ये ह्यूमन नेचर है। अब आइए इधर आगे, इधर तो गवर्नमेंट ने वापस से सुनिए क्रीमिया में करवाया रेफरेंडम। क्या करवाया? बोला कि यूक्रेन के साथ कि रसिया के साथ। तो रसिया बोला हाँ तू थोड़ा उधर ही रहो, लेकिन बोला नहीं आ गया था मन में जाना है, तो अब जाना है तो दूसरा पार्ट फिर रेफरेंडम हुआ।
अब इसने बोल दिया कि हमको रसिया के साथ जाना है। रसिया बोला वेलकम। रसिया हैड एक्सेप्टेड और रसिया ने भैया बढ़िया से वेलकम किया, मतलब खराब से नहीं। देखो पहले आपको क्या यूक्रेन रसिया कैसे दे सकता है, मैंने आपको आप उल्टा यही बोला था रिवाइज कर लेने, ऐसा मत करो तो आप बोलेंगे बहुत। सुने इधर सारा रामायण खत्म, आगे कुछ नहीं बोला। देखो रसिया दे सकता है, रसिया पावरफुल था, यूक्रेन थोड़ी। आप खुद कॉमन सेंस से सोचो कि रसिया ना पावरफुल था तो रसिया ही देगा, ये क्यों देगा? आप समझ में आ रहे, ये तो खुद बेचारा बच्चा है उसका। यूक्रेन तो खुद रसिया का हिस्सा था, आपको पूरा बता दिया था मैंने, वो सब रसिया मिला के ही बना था। आप समझ गए ना? और इधर देखिएगा, ओके मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब क्लास में क्या मैं वही कर रहा हूँ, क्लास में डोंट लाइक डिस्टर्बेंस। मैं दो घंटा में जीना चाहता हूँ और आपको जिलाना चाहता हूँ कि जिंदगी का एक अलग पार्ट है, इसीलिए खैर कोई बात नहीं, कर दिए तो कर। इधर रहिएगा सुनिएगा प्लीज, देख इधर रहिएगा। रसिया ने दिया था क्रीमिया, इधर रसिया बोला भैया आओ ना, हम तैसे भी इंतजारी कर रहे हैं, क्रीमिया हैज वेलकम एंड नाउ क्रीमिया के लोग रसिया की तरफ एलिगेंस शो करते हैं। आप सोचिए देखो, ये भी तो एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वार जो अभी हो रहा है। मान लो क्रीमिया किसका है, यूक्रेन का हिस्सा हुआ, क्योंकि दे तो दिया ही था। और वहां के लोग क्या बोल रहे हैं कि हम रसिया का सपोर्ट करते हैं, वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, रसिया को सपोर्ट करते हैं। अब वहां के लोग जैसे बोला कि रसिया को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद क्या हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, आप सोचो एक ही ऐसे जगह आप रह किसी दूसरे देश में रहे हो और फिर किसी दूसरे देश को बोल रहे हो तो विवाद होना है कि नहीं? आगे आपको पढ़ाऊंगा आयर में, नेपाल में विवाद होने के कारण, श्रीलंका में विवाद होने के कारण, सब यही है कि नेपाल के लोग जो ऊपर वाले हिस्से वाले लोग थे, कुछ नीचे वाले हिस्से लोग थे, उन्होंने इग्नोर कर दिया, तराई रीजन वाले लोगों को इग्नोर किया, तो वहां भी रिवोल्ट हुआ और भयानक हुआ। आगे पढ़ूंगा, बट यहाँ समझना ये भी एक एग्जाम्पल हुआ रेफरेंडम का। अगर आप देखोगे तो सक्सेसफुल रेफरेंडम कितने कितने लगे, ब्रेक्सिट सक्सेसफुल रहा, उसके बाद क्रीमिया सक्सेसफुल रहा, सिक्किम रहा, स्कॉटलैंड का नहीं रहा, स्कॉटलैंड का रेफरेंडम सफल नहीं, लेकिन अभी भी लगा हुआ है जुगाड़। मेरी बात सुन, वो अभी भी चाह रहा है। और आप सोचो, मैंने बोला ना कि होना एक दिन सबका हिसाब है। आप सोचो ब्रिटेन ने सबके साथ वैसा किया, आज उसी का घट टूट रहा है। अरे समझ में अब जरा आ गया ना, कमाल की बात आपको सीखने को मिलेगी। और कमाल की बात यह है, सुनना, यूके पता है बाबा है ना बाबा, तो यूके बाबा नया मार्केट में लाए, पता है एक कंट्री को बोलता है, हमारे यहाँ देश को देश नहीं बोला जाएगा तो भारत क्या बोलेगा भाई? तो कह रहा है कंट्री को नेशन बोलेंगे। तो क्या बोला, थ्री डी एफ देखे हो ना, यस तो बोलता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल नहीं ऑल इज वेल, अच्छा नया लाए लंचवर बाबा, इसे भी बोला देश को देश नहीं बोले, क्या बोले तो राज्य को क्या बोलेगा भाई? अब बोल रहा क्या, स्टेट को बोले हम क्या कंट्री। तो ये सस्ता वाला टिकाया है, इधर देखिएगा। अब भाई बोल तो दिया, हमारा क्या भाई, उसका देश है, उसको जो मन वो अच्छा आदमी को बुरा बोले चाहे बुरा बोले, दिन का दिन चाहे रात को रात, चाहे रात को दिन बोले चाहे दिन को रात, हमको क्यों भाई इधर। इसीलिए यूके में कंट्री को नेशन बोलते हैं और स्टेट को कंट्री बोलते हैं। इसीलिए जो स्टेट आपको चार पढ़ाया था, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को क्या बोलते हैं कंट्री, स्कॉटलैंड इज अ कंट्री, उसी तरीके से हम क्या बोलते हैं वेल्स इज अ कंट्री, एंड सेम नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ कंट्री। आ रहा समझ में? अब पूछा गया क्यों, क्या लॉजिक है इसका? भाई बात यह है, इनको इतना पावर है कि किसी कंट्री को भी उतना पावर नहीं, इसलिए अपना लॉजिक उतारा है कि जितना पावर एक इंग्लैंड को है, जितना पावर एक स्कॉटलैंड को है, उतना पावर बहुत देशों के पास भी नहीं होता है, राज्य की तो दूर दूर तक बात है। तो भैया लॉजिक उनका अपना था, हम तो क्या, आया समझ में? लेकिन भैया ये बहुत अच्छा लगा, कंट्री को कंट्री क्या बोलिए, और राज्य को देश, मेरी बात समझ आ रही है भैया? आपकी मर्जी, आप जाने आ रहा इधर। ये जो पते की बात है, आपको कुछ मिल रहा है तो आप नीचे देखना, सबसे नीचे
यूके कंट्री को नेशन कहता है, स्टेट को कंट्री कहता है. फोर स्टेट्स ऑफ यूके, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड. कंट्री इसलिए कहता है क्योंकि स्टेट होकर भी इसके पास बहुत पावर है जितना किसी कंट्री के पास शायद नहीं है. ठीक है, अब जरा आइएगा नेक्स्ट पेज पे. जम्मू एंड कश्मीर का जो विवाद मैंने पहली साइड पे बताया, दुनिया का सबसे लंबा विवाद है. दुनिया का ऐसा लंबा विवाद जो कभी आज तक शायद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. अरे समझ में आना जरा आगे. स्कॉटलैंड हैज ऑन करेंसी दैट इज स्कॉटिश पाउंड एंड द वैल्यू ऑफ पाउंड इज सेम एज यूके. सिर्फ नोट के कलर का फर्क है. अरे समझ में आ गया ना. स्कॉटलैंड एंड वेल्स हैज ऑन पार्लियामेंट एंड इन इंडिया वी हैव अ स्टेट लेजिस्लेचर. स्कॉटलैंड का भी अपना पार्लियामेंट है लेकिन इंडिया में स्टेट लेजिस्लेचर होता है. पार्लियामेंट होता है सेंटर में, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है. आना नीचे. इंडिया इज द ओनली मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर स्टेट डज नॉट हैव पावर टू सेपरेट फ्रॉम कंट्री. इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां राज्य को इतनी शक्ति या पावर नहीं है कि वो कभी भी इंडिया से अलग हो सके. बाकी आप देखो सब के सब तो बिखर ही रहे हैं. आ रहा समझ में? सब पत्ती की तरह बिखर रहे हैं. बट इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि बेटा तुम करो, हम ही मतलब हम ये छे हम वो छे, तो हम सिक्किम है तो सिक्किम अलग देश बना लेंगे. समझ आ रहे हैं? ट्राइब्स बोल रहे हैं या उनका सिंका जो भी, तो भाई उनका भी कुछ होने वाला नहीं है. इसीलिए तो सिंगल सिटीजनशिप है, भारतीय है, और कुछ बनने की कोशिश मत करिए. ठीक है, बाकी अच्छा चीज है. इसलिए इंडिया के अलावा आजकल कोई ऐसा देश ही नहीं जो टिक के रहा है. आया समझ में? अब नीचे चलाइएगा. ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो आप ईमानदारी से बताइएगा, कहने के लिए तो एक छोटा टॉपिक था, था कि नहीं था? लेकिन टॉपिक में कुछ था क्या? बहुत था. अब इस बात को समझिएगा, कहने के लिए एक पेज होगा, वो एक पेज के पीछे कितने साल का मैंने तो नहीं पता. मैं आपको बार बार इसलिए समझाने के चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट जब आप समझते हो तो आपको तसल्ली मिलता है, आपको लगता है अब जाके कुछ समझ आया, नहीं तो ऊपर का हम भी हटवा देते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जब पीपल करे तो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट मतलब अब मैंने आपको थप्पड़ मारा ये डायरेक्ट हुआ, अब मैंने ईटा फेंक ही मारा वो क्या हुआ? अब आप बताओ हम क्या करें? अब आगे ये इजी है, ये इजी है कहना, समझना ध्यान से, बहुत इजी है कि आप रटिए पॉलिटी, हमको सब कुछ आता है. जब आप गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं आता. और मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको, पॉलिटी जब मैं पॉलिटी ज्योग्राफी जितना कुछ मैं बोला था ना कि अपन सब जब पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद पॉलिटी में आप किसी लॉ के स्टूडेंट से भी टक्कर ले सकते हो, मेरी गारंटी है, पूरी गारंटी है. और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ाने के बाद आप किसी भी ऐसे अच्छे और खुद आप डिसाइड कर लोगे कोई भी पॉलिसीज के बारे में, खुद आपको सारे नियम कानून पता होंगे और किसी ने बताया कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है. और सुनना एक और बात, सेम एज इट इज, इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूँ, मेरा जितना पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में तैरेगा हमेशा, सपने में भी आएगा कुछ ना कुछ. ठीक है, सपने में भी हम भूत बन के बोल रहे होंगे. लेकिन कमाल की बात यह है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़ा मजा आया नहीं है, क्योंकि मुझे दुख होगा, क्योंकि जब टेस्ट लूंगा और आप नहीं दे रहोगे तो आपको खुद दुख होना चाहिए इतने पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं हो तो. बाकी हम क्या ही है, आप बच्चे थोड़ी है कि आपको मैं बैठा के बोलूंगा चल बेटा ये बी सी डी. अरे समझ में? नहीं, आपको करना है. आगे आइएगा जरा नेक्स्ट. अब इसके बाद मैंने जो अभी तक डिस्कशन किया पहले बता देता हूँ आपको. डेमोक्रेसी बोला, यस सर. तो डेमोक्रेसी का मीनिंग सबको तो पता था पहले से, लेकिन आज डेमोक्रेसी का कुछ अलग मीनिंग भी पता चला. डेमोक्रेसी दो टाइप, क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में आपका आर स्क्वायर आई पी, आर फॉर व्हाट? रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट. तो रिकॉल को किससे रिलेट करोगे? रिकॉल को इनिशिएटिव, और रेफरेंडम को प्लेबिसाइट. यहां तक ठीक? अब ध्यान थोड़ा रखिएगा. अब रिकॉल में मैंने बोला था कि आपने क्या किया, आपने बोला रिजाइन हो गया. मैंने इनिशिएटिव में बोला आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा लिया. रेफरेंडम में बोला आपने पूछा, सरकार बाध्य हो गई इनको करना पड़ा. और उसके बाद भैया बचे हमारे प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट में थर्ड पार्टी ने पूछा, किया, वो बाइंडिंग नहीं है. इधर बाइंडिंग है, वहां सिर्फ राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन पे काम चल रहा है. यहां तक समझ में आया? पक्का? अब ये डायरेक्ट का सिर्फ कॉन्सेप्ट था, अभी इनडायरेक्ट बाकी है. तो अभी इनडायरेक्ट को थोड़ा सा कवर करेंगे. यार समझ में मजा रहे क्या? जोर से बोलो यस सर. आप थोड़ा आगे से पढ़ेंगे कि प्रभास यस सर पॉलिटी में पढ़ा सकते हैं. आगे है ना, ध्यान से आ रहे इधर. कुछ लोग बोले थे ना यस
बोला कि हम लोग नहीं समझ रहे, सच्ची बोल रहे, एकदम करेक्ट बात। वो तो मजाक में एक फ्लो में नाम सामने आप दिख जाए तो बोल देते हैं। अब जैसे आपका नाम ले लिया आ गया बार बार, अब उसी तरह से होता है, बाकी हम बोले कुछ नहीं आगे देखते ही बोल रहे थे कुछ तो ऐसे भी ऐसा दो तीन हजार देते देखे जो पॉलिटी पढ़ा रहे तब एक ही बार देखे 45 अब प्लीज आइएगा, इनडायरेक्ट में होता है चलता है, बट याद रखिएगा मैं पूरा माहौल क्रिएट बना दूंगा, चेंज कर दूंगा, हर घर में कम से कम एजुकेशन होगा, मेरा यही बस लक्ष्य है, हर घर में इतना एजुकेट बना दूंगा उसकी स्थिति खुद ठीक हो जाएगी, गारंटी इतना लायक बना दूंगा, भरोसा नहीं है? भरोसा रखना, बदल जाएगा। और लड़कियों के लिए स्पेशली मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो एक बार में क्या क्या देखो नहीं 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 भरोसा हम नहीं बोले, आप देखो एक गाना है मौसम की तरह बदल तो न जाओ, सुनो ये देखिएगा, मैं बोल सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं चाहता हूँ जो माहौल में जहाँ से निकल के और जो देखा हूँ मैं सिचुएशन, मैं बार बार इस बात को बोलूंगा आप इरिटेट हो जाओ तब भी, इधर जो एजुकेशन का सिस्टम मैंने देखा है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ओनली द बेस्ट, ट्रस्ट मी, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, बट यार एजुकेशन जो है इधर सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम चाह के भी चीज को ना बार बार नहीं कर सकते, हम चाहे कितना भी इग्नोर करें बट फाइंड आउट इट, सबके अंदर ना वो खालीपन है, डिग्रियां सभी के पास है, खालीपन बहुत है, डिग्री लेके बड़ा भटक रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ डिग्री हो नहीं हो नॉलेज इस लेवल का होगा कि कोई देख के आपको बोलेगा, और प्रपोजल ना जॉब के लिए आपको किसी के पास जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ इतना लायक बनाऊंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऑफर अपने आप तक पहुंचेगा गारंटी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कमाल का रेडियोएक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम करता है इस दुनिया में, आप जब नॉलेज लोगे ना ऑटोमेटिक किसी ना किसी का कॉल आना शुरू हो जाएगा कि आप मेरे यहाँ पढ़ा दो, ऑटोमेटिक किसी ना किसी के यहाँ से आपके पास आएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक अजीब टाइप का रेडियो फ्रिक्वेंसी काम करता है कि नॉलेज आप कभी भी बर्दाश्त करके रखी गई, कोई ना कोई आपको, आप जैसे मान लो किसी पहले बच्चे को पढ़ा रहे थे, किसी को भी वही बच्चा हो सकता है किसी को बोला और उसके स्कूल से कॉल आपके पास आ गया कि सर आप यहाँ पे आके भी पढ़ा लीजिए क्योंकि यहाँ के बच्चे को आपने पढ़ाया उसका नंबर अच्छा आ रहा है या उसको नॉलेज अच्छा है, मैं सच बता रहा हूँ आप किसी के पास नहीं जाओगे लोग आपके पास आएंगे, नॉलेज का हमें जुट, हम जब भी सोचते थे ना कि मेरे साथ स्थिति बेकार हो रहा है हम क्या करें, हम एक ही बार सोचते थे मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो रीड अ बुक, एक किताब पढ़ लो ऑटोमेटिक ऑफर आ जाता, ट्रस्ट मी, दूसरा कुछ मत सोचना, बाकी हम उसी सब का सार आपको दे रहे हैं, नहीं तो आपको पढ़ने में काफी साल लग जाएगा, अगर आप भीख मांगोगे तो भीख मांगते रहोगे, इस दुनिया में मांगने से नहीं मिलता है, लाइक बनाओ मिल जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, और लाइक बनाने का काम हम कर ही रहे हैं, बाकी आप रिविजन करते रहना, चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं किसका, इनडायरेक्ट का, तो मैं इनडायरेक्ट का सिर्फ आपको थोड़ा हिंट दूंगा क्योंकि इनडायरेक्ट को समझने से पहले हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है, ठीक है, मतलब कहने के लिए सिर्फ इनडायरेक्ट है बट बहुत कुछ समझना पड़ता है, इनडायरेक्ट को मैंने एक नाम और बोला था, रिप्रेजेंटेटिव बोला था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला था ना, समझना इधर 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 एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लो तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनना सबसे फर्स्ट, बोल तो नहीं हो रहे, सुनना, उसमें मैंने बोला था डायरेक्ट में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बोला था मैंने, पार्टिसिपेटरी मतलब कि वहाँ लोग खुद पार्टिसिपेट करके बोल रहे हैं कि भैया तुम हमारे को ये करो, तुम ये छोड़ो, तुम ये करो, मेरे पास समझ आ रही है, जो अभी आर एस को आरआईपी बताया, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है मतलब हम किसी को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, सुनना, तो कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ, समझिएगा इसको, इसमें एक पहलू के अंदर एक दूसरा पहलू है, सिटीजन्स ने इलेक्ट किया किसी रिप्रेजेंटेटिव को, मान लो किसी को भी चुना, ठीक है, अभी एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा चिंता मत करो, तो सिटीजन्स ने इलेक्ट किया किसी रिप्रेजेंटेटिव को और फिर रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद लेगा डिसीजन, ये हुआ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन इसके अंदर भी कुछ पहलू है, पहलू क्या है समझो भाई, सिटीजन्स ऐसे ही मुंह उठा के तो चुन नहीं लेगा, कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा, यस और नो, वो नहीं कि अमेरिका में जो अफगानिस्तान में किया तो चल 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 डेमोक्रेसी,
तो जो इलेक्ट करने का विधि होगा यानी कि इलेक्शन होगा उसमें भी दो टाइप से हम किसी को चुन सकते हैं, या तो डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन। आ रहे समझ में? सुनना, तो या तो हम डायरेक्ट इलेक्शन से चुनेंगे, अब यहाँ याद सुनना, कंफ्यूज मत होना, अभी तक जो पढ़ा है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, अभी पढ़ाना डायरेक्ट इलेक्शन, कंफ्यूजन नहीं होने का भैया। आ रहे समझ में? एकदम क्लियर कट रहने का, यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को चुनेंगे तो किसी ना किसी मेथड से तो चुनेंगे, और वो दो मेथड है, डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट। तो आपको उसको समझने से पहले इसको भी समझना पड़ेगा, और इसको समझा दूंगा फिर इससे पहले भी कुछ और समझना पड़ेगा, तब जाके पूरा क्लियर होगा। आ रहा समझ में? रेडी? सीखने के लिए? तो सुनना ध्यान से, इधर एक्साइटेड आप देखोगे तो मैं ज्यादा रहता हूँ पढ़ाने समय, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा, बिकॉज मुझे जो देना है मैं उसके लिए इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि आपकी कन्वर्जन हो। इधर इधर डायरेक्ट इलेक्शन को समझना और अभी इनडायरेक्ट हो, तो हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं और आराम से क्लियर करते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन का सबसे फर्स्ट समझना, इधर सिटीजन्स ने फिर किसी को इलेक्ट किया, अभी मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट क्या है, और इलेक्ट करके किसी रिप्रेजेंटेटिव को किया। अब आप अपने नोट्स में पहले एक बार देख लो, खाली ऊपर वाला, ये मत देखना ऊपर वाला, जहां ऊपर मैंने बनाया है, देखो ध्यान से, सिटीजंस इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, और मैंने यहां क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव्स टेक्स डिसीजन, ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ। ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम अब क्या बात कर रहे हैं कि जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है उसको हमने डायरेक्ट इलेक्शन से चुना है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से। सुनना ध्यान से, तो मान लो सिटीजंस थे ये रिप्रेजेंटेटिव को किया, मतलब एमपी और एमएलए को। सुनना, आप एमपी और एमएलए का वोट तो देते हो, यस और नो, विधायक को चुनते हो, और विधायक को चुनते हो और उसके बाद आप चुनते हो एमपी को ना, उसमें तो आपने डायरेक्टली वोट दिया था। अरे विधायक का वोट तो आप डायरेक्टली देते हो, कोई बीच में आता है क्या? वो अलग बात है कि हराम खोर लोग होते हैं कि हमारे को दिया। अरे समझ में? अब आपको एक बार बताया तो याद है कि नहीं याद? इलेक्शन का बात होता है तो मैं पूरा एक सीरीज बनाने वाला हूँ कसम से, गांव के इलेक्शन पे सीरीज बनाने वाला, बहुत उसका अच्छा अच्छा मुद्दा निकल के आएगा और आप इनको हेल्प करेगा, बहुत फनी वे में होगा। क्या क्या सब रियल, बिल्कुल फैक्ट होगा, एकदम सही 100% पूरा फैक्ट होगा, मैं जो आपको बोलूंगा पूरा डेटा के साथ होगा, कोई झूठ वाला नहीं होगा। अरे समझिए, अब इधर देखिएगा, सिटीजंस इलेक्ट किए किसको, रिप्रेजेंटेटिव को। अब ये कमाल की बात है कि एक आदमी था, मैंने आपको बताया था, चिढ़ाता था उसके साथ, बताया था याद है, जो अब बोला कि काका हमरे के वोट दिया हो, अब एक गाना उस समय था, वोट दिया हो काका वोट दिया हो, ना तो कदम छविन छोट हमने वोट दिया हो। अब देखो एक एक चीज का पहले कहां से कनेक्टिविटी कहां बनाना होता है वो अपने ऊपर है। अब ये जो कनेक्टिविटी है और ये जो मैं आपको बताता हूँ पढ़ाने का जो अंदाज है ये सीखा नहीं जाता है। अरे समझ, ये होता है, बस उसमें नॉलेज थोड़ा सा गेन करोगे तो ये पूरा बनता है, नहीं तो आप उसे बोलते हैं हमको भी सिखाना, तू पढ़ाते हो तो मजा आ जाता है, हम बोले भाई हमको भी नहीं पता तुमको मजा क्यों, क्योंकि हम तो नेचुरली पढ़ाते हैं भैया। अरे इधर से पढ़ाई खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लीज, इनडायरेक्ट मैंने बोला आपने क्या किया, इलेक्ट किया और उसने आपके बिहाफ पे डिसीजन लिया। इधर ये रिप्रेजेंटेटिव्स, अब इसको समझने से पहले यही तक रहने दीजिए, हमने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव में क्या बोला, एमपी या एमएलए, हमने डायरेक्ट चुना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इनडायरेक्ट में क्या हुआ, सेम चीज आपने किया, सिटीजन से आप रिप्रेजेंटेटिव चुने और रिप्रेजेंटेटिव ने फिर उसके बाद चुना अदर रिप्रेजेंटेटिव को, मान लो प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट का वोट आप देते हो क्या, कोई मत बोला सर आज वोट देके आया प्रेसिडेंट का। तो आपने एमपी या एमएलए को चुना और एमपी या एमएलए ने किसको चुना, प्रेसिडेंट को, अरे किसको, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन, इसीलिए बोला जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अरे समझ में, व्हाई पार्लियामेंट्री इलेक्शन इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। अरे समझ में, अरे समझ आ रहा है? यस सर।
तो कहने के लिए इनडायरेक्ट ये था कि हमने चुना किसी को और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है, लेकिन उसके अंदर भी इलेक्शन के दो टाइप है, एक है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो जब हम किसी को डायरेक्टली चुन रहे हैं और चुनने के बाद वो हमारा डिसीजन लेगा, यहाँ फिर हमने जब चुना उसको चुना फिर वो किसी और को चुना, दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म। क्लियर, समझ में आ गया? Yes. पक्का? Yes, अब आना जरा एक और आपको दिखेगा, देखना टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सर इसमें एमपी ऑफ राज्यसभा भी आएगा? डिपेंड करता है, हालांकि डिटेलिंग आगे आ जाएगा, बट एमपी ऑफ राज्यसभा का आप हर कोई नहीं चुनता। हाँ, बट अभी आप समझिए जैसे अलग अलग होता है, हालांकि अभी मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। राज्यसभा के एमपी में कुछ लोगों का सिलेक्शन ऐसा भी होता है, लास्ट सुनो लास्ट क्या होता है, लास्ट बता दिए, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस, उसके स्पेशलिटी को। तो भैया एमपी जो बनते हैं राज्यसभा के, ये जरूरी नहीं कि सबके सब इलेक्शन से बनते हैं, मेरे बात समझ में आ रही है? जैसे कि 245 अगर सीट है तो उसमें से मान लो 12 सीट नॉमिनेटेड के लिए या कोई स्पेशल काम के, जैसे आपको पढ़ाऊंगा ये सब आगे आएगा। जेटली साहब, अरुण जेटली कभी जीते नहीं, लेकिन अरुण जेटली को इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत ज्यादा था, इसीलिए आप उनको बना दिया। मैंने आपको बोला था मनमोहन सिंह के समय, बोला था मनमोहन सिंह का सिचुएशन सेम उनको बना दिया गया था। और पता है आपको क्वालिटी में पढ़ाऊंगा, मनमोहन सिंह को इसलिए राज्यसभा के पहले नियम था, सुनना सरकार क्या करती है आगे आएगा, ये नियम ये था कि राज्यसभा का एमपी बनने के लिए आपको उसी स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको बनाने के लिए ये नियम ही बदल दिया और नियम बदल के बोला कि वो किसी भी स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनको गुवाहाटी से लड़वाया गया, गुवाहाटी से जाकर उनको एमपी बनाया गया, तब एमपी बनने के बाद फिर वो पीएम का